सबसे पहले तो मैं यौम आज़ादी के मौके के ऊपर आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि हम लोग इतने जोश के साथ, इतनी खुशियों के साथ अपने यौम आज़ादी को हम मनाते हैं। छब्बीस जनवरी को इस साल जब हमने यहाँ पर झंडा चढ़ाकर तिरंगा रैली निकाली थी, एक बहुत ही अजीम और शान रैली थी वो, तो उस वक्त जब वापस आए तो हमारे शहर सदर समीर को एक साहब ने कहा था, बहुत अच्छी रैली निकाल लिए, अच्छा हुआ ये आपकी आखिरी रैली है। उस वक्त वो रैली आमदार इम्तियाज जलील ने निकाला था, इस बार खासदार इम्तियाज जलील। जिन साहब ने ये बात कही थी मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, तो इस मंतशा तजिल मंतशा इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा होता है। हमें आज ये खुशी इसलिए भी है कि पिछले लगातार 5 सालों से हम लोग अपने दफ्तरों पर हम झंडे चढ़ा रहे हैं, तिरंगे को लहरा रहे हैं, पूरे शहर भर में हम लोग तिरंगा लेकर अपने मुल्क के लिए हमारी वफादारी, अपने मुल्क के लिए हमारी मोहब्बत, हम इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं ये इजहार करने के लिए हम अपने सड़कों के ऊपर गलियों में निकलते रहे। आज इस मुल्क के हालात क्या है ये सभी लोग जानते हैं। एक ऐसे दौर में जहां पर दौरे हुकूमत जिसकी है वो इस मुल्क को बांटना चाहते हैं, एक हम है जो तिरंगा हाथ में लिए ये बताना चाहते हैं कि कोशिश तुम्हारी रहेगी बांटने की, ये मुल्क एक बना रहेगा हमारे इस तिरंगे के नाम के ऊपर, इस तिरंगे की आड़ में ये मुल्क हमेशा एक रहेगा। इस मुल्क के अंदर आज जो वाकया देखने को मिल रहा है, दिन दहाड़े अगर किसी का कत्ल कर दिया जाता है और उनके खातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, तो ये मुल्क किस ओर जा रहा है आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने भी पहले ये कहा था और आज तक कहते हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि कश्मीर इसी मुल्क का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से 370 के नाम के ऊपर हुकूमत ने एक डिक्टेटरशिप जिस तरह से होती है उसका एक उदाहरण पेश किया, एक नमूना पेश किया। कश्मीर हमेशा से ही इस मुल्क का हिस्सा था, है और रहेगा, लेकिन मुल्क में जिसकी हुकूमत है वो आज इस मुल्क के लिए इतना खतरा बनते जा रहे हैं कि जिस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, वो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा सकते हैं, संविधान के खिलाफ जा सकते हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि संविधान से हटकर काम करें। और हमारा ये कहना है, हम शुरुआत से कहते हैं, मेरे खायर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब भी पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहते हैं, मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन एक बात वो बार बार सरकार को याद दिलाते रहते हैं कि ये मुल्क अगर चलेगा तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह की मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, ये बार बार हम याद दिलाते रहते हैं। दोस्तों, आज इस मुल्क को कौमी एकजहती की जरूरत है। हमें अपने अखलाक के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनानी है। हमने जरा सी लोकसभा के अंदर तकरीरें क्या कर दी, आज बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए वो भी मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि आपकी तकरीर सुनने के बाद हमें ऐसा लगा
कि हमने गलती कर दिए, अगले बार वोट आपको ही डालेंगे। ये इसलिए कि हमने वहां पर जाकर उन मुद्दों को उठाया है जो मुद्दे आम लोगों की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, वो मुद्दे जो किसी जात या किसी धर्म के लिए नहीं है, किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता है, बल्कि इंसानियत से ताल्लुक रखने वाले मुद्दे हैं। चाहे वो किसानों की आत्महत्या हो, चाहे आज किसान जिस हालत में परेशान है उसकी हालत कैसी है, भारतीय जनता पार्टी के पास और उनके अलाइड पार्टी के पास करीब 350 आंकड़ा है लोकसभा के अंदर, उनका जो भी खासदार खड़े रहता है, जब भी खड़े रहता है किसी भी मुद्दे बोलने के लिए, तो बस उसका एक ही मुद्दा रहता है कि इस मुल्क के अंदर जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो सिर्फ मोदी की वजह से हो रहा है, मोदी की वजह से हो रहा है। लेकिन जब हमने सरकार को आईना दिखाया कि इस महाराष्ट्र राज्य के अंदर किसानों की हालत आज क्या है, तो हमें खामोश बिठाने की कोशिश की, तो हमने भी डट कर कहा कि एक हकीकत है और तुम्हें सुननी पड़ेगी। हम यहां पर गूंगे, मुक्के और बहरे बनकर नहीं आए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की आवाम ने हमें इसलिए चुनकर भेजा है कि हमारे मुंह में जबान है और हम बोलेंगे, तुम्हें पसंद आए ना आए हम बोलेंगे। और इतना बोले हमने कि वहां पर बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, तो उनके सामने हमने ये कहा कि अब तो धूप भी निकलती है तो मोदी जी तुम्हारी वजह से, बारिश हो रही है तो मोदी जी तुम्हारी वजह से हो रही है, बाढ़ आ रही है तो तुम्हारी वजह से हो रही है, छांव आ रही है तो तुम्हारी वजह से हो रही है। बस इतना ही बोलना उनका बाकी रह गया है। लेकिन दोस्तों, आज मुझे फख्र इस बात का है, मैं औरंगाबाद की आवाम का, औरंगाबाद जिले के तमाम उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे सिर्फ ये मौका नहीं दिया है कि इस मुल्क के सबसे अजीम इंस्टीट्यूशन में जाकर बैठने का, बल्कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया है उस ऐसे शख्स के बाजू बैठने का जिसे पूरा हिंदुस्तान देखता है, और जब वो खड़े रहता है बोलने के लिए तो पूरा संसद खामोश बैठ कर सुनता है। उस शख्स का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। उनके बाजू बैठ कर उनसे सीखने का ये शर्फ हासिल हुआ है मुझे सिर्फ आप लोगों की वजह से, इसलिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों के बाद औरंगाबाद में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। मुझे मालूम है कि इलेक्शन का मतलब यह है कि ख्वाहिशमंद बहुत सारे लोग होते हैं, हर इंसान को ख्वाहिश रखनी चाहिए कि हाँ हम भी एमएलए बनना चाहिए, हम भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर इम्तियाज अली की वजह से अगर कुछ बदलाव आया है तो मैंने वो बदलाव लेकर आया है औरंगाबाद के नहीं, इस पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के अंदर एक ऐसी सोच हमने तैयार की है कि वो कौम जो कभी सोचती नहीं थी कि हम इलेक्शन कैसा लड़ेंगे, कौन हमें वोट देता है, क्या कभी ये एक साथ मिलकर आ सकते हैं, क्या हम जीत सकते हैं, क्या हमारे जहनों के अंदर ये बात बिठाई गई थी कि नहीं तुम कभी जीत ही नहीं सकते हैं, ये कौम कभी एक साथ आ ही नहीं सकती है, क्या फायदा लड़ने का। लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो कई सारे लोग आज हमारा टिकट लेने के लिए ख्वाहिशमंद है, मैं समझता हूं वो बदलाव इसलिए आया है कि हमने उनके अंदर एक यकीन पैदा किया है कि हम लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, अरे हम लड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे। लेकिन मुझे मालूम है कि यह लोकसभा की जीत सिर्फ औरंगाबाद के लिए जीत नहीं है। मैं अगर दिल्ली के किसी भी इलाके के अंदर जाता हूं तो चंद मिनटों के अंदर वहां पर उतने ही नौजवान जमा हो जाते हैं जैसे यहां पर रोशन गेट पर या बुटी लाइन में या किरारपुरे के अंदर। लोग देखना चाहते हैं वो शख्स कौन है जिसे पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने कुछ ने वोट दिया और कुछ ने दुआओं की वजह से जिता कर लेकर आया है। उस शख्स को देखने के लिए आते हैं, और जब वो मुझसे मिलने के लिए आते हैं तो मैं सलाम ठोकता हूं मेरे भाइयों का जिन्होंने आप लोगों ने एक मोजेज़े को अंजाम दिया है। मैं जिंदगी भर इस बात का एहसानमंद रहूंगा। लेकिन एक बात यह भी तमाम आवाम से
अकबर गुजारिश करके ये कहना चाहूंगा, मैंने कल एक ख्वाहिशमंद कैंडिडेट का एक इंटरव्यू मोबाइल के ऊपर देखा। उसने अपना फॉर्म भरा है, उसने अपना फॉर्म भरा है कि हां मैं भी ख्वाहिशमंद हूं, लेकिन उसने उस इंटरव्यू के अंदर कहा कि अगर मुझे टिकट मिला तो मैं मजलिस के साथ हूं, और अगर मुझे खुदा ना करे टिकट नहीं मिला तो भी मैं मजलिस के साथ रहूंगा। ये वो जज्बा। उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इलेक्शन एक ही टिकट किसी को जाएगा, लेकिन बाकी दूसरों को जो टिकट नहीं जाएगा वो इसका एक वजह नहीं बनना चाहिए कि मुझे नहीं मिला इसीलिए अब मैं मजलिस से दूर चला जाऊंगा। औरंगाबाद की आवाम तो वो आवाम है जो कुर्बानी देना जानती है, क्योंकि मैं आज भी अच्छी तरह से जानता हूं कि 2014 के अंदर जब मैं पुणे से औरंगाबाद आया था और जब असद साहब ने मुझे टिकट दिया था तो ऐसा नौजवान खड़े रहकर यह नहीं कहा था कि मजलिस को मैंने लेकर आया हूं, मजलिस मेरी वजह से आई है, टिकट इम्तियाज जलील को कैसा दिया जा रहा है, टिकट मुझे मिला तो पूरी आवाम ने लब्बैक कहा और साथ में चल पड़े हमारे। यही जज्बा आज रखने की जरूरत है, क्योंकि आज कोई गैरों से हमें खतरा नहीं है, हम गैरों को तो अल्हम्दुलिल्लाह अकेले ही निपट लेंगे, हमें इतनी ताकत है हमारे पास कि हम गैरों से अच्छी तरह से निपट लेंगे, लेकिन हमारे अंदर के हमारे ही लोग जो पंचर है, जिन्होंने बहुत कोशिशें की थी और सिर्फ कोशिश इसलिए नहीं की थी कि किसी कैंडिडेट से उन लोगों ने पैसा लिए थे और उस पैसे से वो अपना बेईमानी के पैसे का हक अदा कर रहे थे, उनकी मंशा यही थी कि शहर से मुसलमानों की खयादत नहीं उभरनी चाहिए, दलितों की वंचितों की आवाज नहीं उभरनी चाहिए, कोशिश उनकी यही थी। और इलेक्शन के दिन, इलेक्शन खत्म होने तक शाम 6 बजे तक वो लोगों ने अपने पूरे हथकंडे अपनाते रहे, पूरी कोशिशें करती रहे, जितनी कोशिश वो कर सकते थे वो करते रहे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि बाहर वो जितना बहका रहे थे अंदर जाकर मेरा नौजवान उतनी ताकत से पतंग पर मोहर लगा रहा था। अब जीत कर आए हैं, बहुत हम कल बोला तो तकलीफ होती है, अब बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। यकीन मानिए मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उनकी दुश्मनी इम्तियाज जलील से नहीं थी, उन्होंने कौम के साथ गद्दारी करने का काम किया है, वो कौम जो 40 साल से तरस रही थी कि मेरी खयादत इस शहर से उभरनी चाहिए, पूरी नस्ल, इसमें कितने ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्र 40 साल नहीं है, जिन्होंने देखा नहीं कि औरंगाबाद शहर से हमारा अपना खासदार कैसा होता है। आज जब वो मकसद आया था, जब हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो हमें जिन जिन लोगों ने नीचे खींचने का काम किया है उन्हें यह एहसास होगा कि हम जो भी करेंगे वो इम्तियाज जलील नहीं करेगा, ये कौम उन्हें ठिकाने लगाने का काम करेगी इंशाअल्लाह। हम इसलिए अपनी खयादत नहीं खड़े कर पाए क्योंकि हमारे ही अंदर जो दलाल थे, कौम की दलाली का काम करना इनका धंधा बन गया था। हर 5 साल के बाद आओ, खड़े रहो, मुसलमानों को बांटो, दलितों के वोटों को तकसीम करो, यही एक दुकानदारी और धंधा बना के रख दिए थे। लेकिन दोस्तों, ये वो शहर है जिसने पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक नई उम्मीद, एक नई चेतना पैदा की है। हमने लोगों से ये कहा था कि बहुत ज्यादा हिसाब किताब गणित करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, जो बोलना था लोगों ने बोले, लेकिन कौम ने एक ही आवाज में कही कि तुमको जो बोले
बोलना है बोलो, इम्तियाज जलील मेरा भाई है, मेरा वोट इम्तियाज जलील को ही पड़ने वाला है। आपने ये किया इसलिए आज ये वक्त आया है, ये वक्त ऐसा आया है कि पूरे पार्लियामेंट के अंदर लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, शिवसेना के हो, जो भी खासदार मुझसे मिलता है और जब मैं तारुफ करवाता हूं कि मैं इम्तियाज जलील औरंगाबाद से हूं और मजलिस से इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का एमपी हूं, तो वो पूछता है कि पूरे मुल्क में नरेंद्र मोदी की लहर थी, पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, आखिर तुमने औरंगाबाद में ऐसा क्या कर दिए कि औरंगाबाद से तुम जीत कर आ जाते हैं। मैं कहता हूं कि औरंगाबाद में इंसान नहीं, शेरों की जमात है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर आज भी मैं आपको यकीन और दावे के साथ कहता हूं 48 सीटें हैं पूरी लोकसभा की महाराष्ट्र के अंदर। शिवसेना और भाजपा दोनों मिलाकर कितनी सीटें जीते हैं, तो 48 में से 42 सीटें वो जीते हैं। सिर्फ 6 सीटें अपोजिशन पार्टीज के पास गई है। वो कांग्रेस जो 150 साल पुरानी पार्टी है, 24 सीटें लड़ती है, एक सीट के ऊपर जीत हासिल करती है। मजलिस नई नई आई हुई है, एक सीट लड़ती है और एक पे जीत हासिल करती है। तो हम एक सीट जीतते हैं, लेकिन उस एक सीट का असर कैसा होता है, मैंने मुंबई के तकरीर में भी कहा, यहां पर भी कहता हूं कि मोदी तेरे 350 के चर्चे नहीं है जितना मेरी औरंगाबाद जीत के चर्चे है। ठाकरे साहब, तुम्हारी जीत के चर्चे उतने नहीं है जितनी औरंगाबाद की जीत के चर्चे है। ये कार्यक्रम आप लोगों की वजह से अंजाम में आया है। मैं इसीलिए आप लोगों से ये अपन गुजारिश करना चाहूंगा कि अगले 2 महीने हमारे लिए, आप लोगों के लिए बहुत शिद्दत से मेहनत करने के, काम करने के, कौमी एकजहती का एक जज्बा पैदा करने के लिए है। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, खुसूसन माननीय इज्जत माफ जनाब बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जिनकी वंचित बहुजन आघाड़ी ने हमारा पूरा साथ दिया, पूरी ताकत दी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के तमाम नौजवानों का, उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने हमारे लिए दुआएं की थी, जिसकी वजह से आज ये दिन हमें देखने को मिला है। मैं एक बार फिर से आप सभी को इस यौम आज़ादी के मौके के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस मौके के ऊपर खास तौर से समीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस लड़के के अंदर मैंने ये देखा कि उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, मैं कहता हूँ कि समीर भाई ये करना है तो कभी ऊप नहीं करता है और पूरा इंतजाम खुद कर लेता है, लेकिन कभी कभार झूठ भी बोलता है और वो झूठ इस तरह का है कि दोपहर का लंच जो है वो इम्तियाज जलील ने नहीं, समीर साजिद ने खुद ने रखा है। इसलिए तालियां उसकी तरफ बजनी चाहिए, मेरी तरफ नहीं बजनी चाहिए। कुछ लोगों की मोहब्बत ऐसी होती है कि वो बहुत कुछ कुर्बान करते हैं। मैं आप सबको इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा कि हम अब औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं, मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं, इस तिरंगे की इज्जत बनाए रखिएगा, डिसिप्लिन बनाए रखिएगा, कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिसकी वजह से हमारे ऊपर पे बदगुमान बात लग जाए। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर